आदरणीय श्री मोहन भाई कुंदरिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर आशीष भूटानी जी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिस्टर योगेश लोहिया जी आवर चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस कमेटी, डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमें बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बीच माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे फार्मर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे किसान भाई एक बड़े भूरे भाले लोग रहते हैं, वो कभी किसी की वजह से उनकी फसल खराब होती है तो अपनी जिंदगी को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में मान के। मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस स्थिति को समझा और सबसे बड़ी तकलीफ जो इंश्योरेंस की थी उसको पूरा किया, नई इंश्योरेंस की स्कीम लाई गई। इस इंश्योरेंस की स्कीम में किसान भाइयों को सिर्फ 2% या 1.5%, जिस तरह की खेती होती है उतना प्रीमियम देने के बाद में पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द बिगेस्ट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल डेट इन द फील्ड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। दिस स्कीम एनविसेजेस अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मैचिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट to match the premium upfront subsidy to payment to the insurance companies. What government of India has done is that they have lowered the premium to the lowest ever possible for the farmers till date. Agar fasal ke jo cycle ke beech mein nuksan hota hai, mid term adversity hoti hai, to uske liye bhi ek payment ka pravdhan hai ki agar hum apni high estimation se dekhte hain ki 50% se zyada damage ho gaya hai to uske liye payment ka pravdhan hum scheme mein kiya hai. फसल बीमा योजना कैसी होना चाहिए, सबका उसका विचार और राय लिया, पूरा भारत के कृषि सेक्रेटरी को बुलाया, उसका सबका अपने विचार लिया, पूरा भारत के किसान संगठन को बुलाया, उसको तजुर्बों को बुलाया, ऐसी करके 37 बैठक हमने बुलाई। बाद में हमने योजना तैयार करके प्रधानमंत्री का टाइम लिया, 3 घंटा वो योजना का प्रेजेंटेशन हुआ, बहुत चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री बोला कि ताजी उसमें कमी रह गया, उसमें डालना चाहिए। तो खास करके आप फसल बीमा योजना किसान तक पहुंचाने के लिए आप जो एकत्रित हुआ है आपका सबका मैं आभारी हूँ। खास करके मेरे पार्लियामेंट चालू है, हमारा एक विंग भी है तो आप भी हमारे लिए कार्यक्रम किया था, इसलिए आने की मेरी जिम्मेदारी दी, मैं आया हूँ। थैंक यू, आभार।